हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सेवादल प्रदेश अध्यक्ष और भगवानपुरा विधानसभा चुनाव प्रभारी अनुराग शर्मा ने सेगांव पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक लेकर बूथों को मजबूत करने की बात कही है। हमारा क्षेत्र अभेद होना चाहिए। 63 बूथों के करीब 58,000 वोटों में से हम सबको मिलकर अधिक मतों से विजय बनाना है। हमने वार रूम शुरू किया है जहां लगातार मॉनिटरिंग होगी। चुनाव को हल्के में नहीं लेना है, हमें चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना है। सेगांव विकास खंड का इतिहास रहा है, उसको हर बार फिर से दोहराना है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज आप भगवानपुरा विधानसभा में परीक्षक बनकर आए हैं, आपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर क्या जाना है? आज भगवानपुरा में सेगांव ब्लॉक की एक बैठक ली गई, उसमें सभी पदाधिकारी जो कांग्रेस के वो उपस्थित थे, और क्योंकि चुनाव को लेकर हम लोग यहाँ पर हैं, उस चुनाव के प्रबंधन के लिए, बूथ प्रबंधन के लिए ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ और सभी पदाधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के तहत जो है कार्यकर्ताओं के टिप्स दिए गए कि बूथ प्रबंधन हमने को लेकर किस तरह से कांग्रेस की विचारधारा, और माननीय जो कमलनाथ जी हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार का, उनके द्वारा 11 वचन जो दिए गए हैं उनको लेकर हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों के भी यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्या उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर जो यहाँ संभावना नजर आ रही है मुझे, वो नगण्य के बराबर है। हाँ, कुछ लोगों के जो फीडबैक लिया गया है उसमें जो भगवानपुरा क्षेत्र की जो विचारधारा है वो पूर्णतया कांग्रेस के साथ में है, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है वो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, और जो पूरे प्रदेश में एक लहर अभी आ रही है वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो यहाँ का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध है, वो नहीं किसी और ऐसी ताकतों की ओर जाएगा जो जिसका आने वाले समय में कोई फायदा ना हो। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटों का दावा करना? देखिए, मैं अभी तक की जो हम तक सूचना है, हमने जो अपना एक सर्वे कराया है उसके तहत जो है तकरीबन हम 140 सीटें जीत कर जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मैं ACC उत्तरोल और हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।